दोस्तों मुग्धा छपेकर इंडियन टेलीविजन की एक फेमस एक्ट्रेस है जिन्होंने जी टीवी की पॉपुलर शो कुमकुम भाग्या में काम किया है और इस सीरियल में काम करके इनको फेवरेट फीमेल कैरेक्टर के लिए जी रिश्ते अवार्ड भी मिला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कुमकुम भाग्या की लीड एक्ट्रेस प्राची यानी कि मुग्धा छपेकर की लाइफस्टाइल बायोग्राफी इनकम कार हाउस एजुकेशन करियर और नेटवर्थ के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अगर आपको भी मुग्धा छपेकर पसंद है तो इस वीडियो को फटाफट कर दे लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू किया जाए इनकी बायोग्राफी से। दोस्तों इनकी रियल नेम मुग्धा छपेकर है और लोग इन्हें प्यार से बर्बी कहते हैं और वो पेशे से एक एक्ट्रेस है। दरअसल इनकी जन्म 24 मार्च सन 1987 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई और 2022 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 35 साल। दोस्तों ये नेशनलिटी से एक इंडियन है और रिलीजन से एक हिंदू है और वही अगर बात किया जाए इनके जोडेक साइन के बारे में तो इनका जोडेक साइन है आरडीएस। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में। दोस्तों इनकी हाइट है 163 सेंटीमीटर यानी की 5 फीट 4 इंचेस और वेट है 50 kg यानी की 110 lbs। दोस्तों इनकी फिगर मेजरमेंट है 32, 28 और 32। दोस्तों इनकी आई कलर है ब्लैक और हेयर कलर भी ब्लैक है। दोस्तों अगर बात किया जाए मुग्धा की शिक्षा के बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुग्धा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी। इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई की है अपने शहर की लोकल स्कूल से और इसके बाद इन्होंने मुंबई की डीजी रुपरेल कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री हासिल की और यहाँ से ही इन्होंने हिस्ट्री में मास्टर डिग्री भी हासिल की। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं इनके करियर के बारे में। दोस्तों मुग्धा छपेकर इंडियन टेलीविजन की एक फेमस एक्ट्रेस है जो कि हिंदी टीवी सीरियल धरती की वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की प्रिंसेस संयोगिता फेमस रोल के लिए जाने जाती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मुग्धा जब 5 साल की थी तभी वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे अपनी करियर की शुरुआत कर दी थी। वैसे तो मुग्धा बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इसलिए इन्होंने 5 साल की उम्र में ही एक्टिंग करना शुरू कर दी। इन्होंने सन 1995 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे अजमेश फिल्मों से अपनी करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों इन्होंने काफी हिंदी टीवी सीरियल में काम की है जिनमें से कई फेमस सीरियल की नाम है 16 सिंगर, जैसी जैसी कोई नहीं, क्या मुझसे दोस्ती करोगी, सतरंगी ससुराल और साहिब बीबी और बॉस, और वो हाल फिलहाल फेमस हिंदी टीवी सीरियल कुमकुम भाग्या में नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इनको कुमकुम भाग्या में मोस्ट फेवरेट फीमेल कैरेक्टर के लिए जी रिश्ते अवार्ड्स भी मिला है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मुग्धा छपेकर की फैमिली के बारे में। दोस्तों मुग्धा मैरिटल स्टेटस की ओर से मैरिड है और इनके हस्बैंड की नाम है रविश देसाई जो कि पेशे से एक एक्टर और एक मॉडल है और इनकी शादी हुई थी 16 दिसंबर सन 2016 में और आप स्क्रीन पे इनके फैमिली मेंबर्स की कुछ फोटोज देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनकी कुछ फेवरेट थिंग्स के बारे में। दोस्तों अगर बात किया जाए मुग्धा की फेवरेट फूड के बारे में तो मुग्धा को होममेड फूड काफी पसंद है। मुग्धा की फेवरेट एक्टर है अक्षय कुमार और रितेश देशमुख और इनकी फेवरेट एक्ट्रेस है काजल देवगन एंड बिपाशा बसु। दोस्तों अगर बात करें इनकी फेवरेट कलर के बारे में तो इनकी फेवरेट कलर है पिंक एंड येलो। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके हाउस के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि मुग्धा छपेकर अपनी फैमिली के साथ अपनी होम टाउन मुंबई महाराष्ट्र में ही रहते हैं और वही अगर बात किया जाए इनकी कार कलेक्शंस के बारे में तो इनके पास पहली कार है महिंद्रा थार जिसकी कीमत है 15 लाख रुपए और इनके पास दूसरी कार है हुंडई क्रिएटा जिसकी कीमत है लगभग 10 लाख रुपए। चलिए दोस्तों बात करते हैं मुग्धा छपेकर की मैन्युफैक्चरर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि मुग्धा पर एपिसोड चार्ज करती है 10 से 12 लाख रुपए और वही अगर बात किया जाए इनके टोटल नेटवर्थ के बारे में तो 2022 के हिसाब से इनकी टोटल नेटवर्थ है लगभग 30 से 35 लाख रुपए। तो दोस्तों ये थी कुमकुम भाग्या सीरियल की लीड एक्ट्रेस प्राची यानी कि मुग्धा छपेकर की लाइफस्टाइल वीडियो। अगली वीडियो आप किसके लाइफस्टाइल के ऊपर देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट्स करके जरूर बता दे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दे इस वीडियो के लिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दे। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखा करें।